कहा कि गाय के गौशाला में नामकरण संस्कार होगा, तो एक दिन तो लगेगा नामकरण की तैयारी में। कहा ठीक है, तब तक आप विश्राम करो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, मैं विश्राम कर लेता हूं। अब मैया यशोदा बड़बड़ाने लगी कि पता नहीं किस बाबा को ले आए पकड़ के, पता नहीं कैसे नाम रखेंगे, कोई कठिन सा नाम रख दिया तो पता चला लेते ही ना बने, हमारी जीभ ही ना उल्टे पुल्टे, इसलिए इनसे कह देना कि नाम सरल सा रखेंगे। नाम से एक बात, एक सुंदर सी कहानी याद आई। एक बार की बात है, एक किसान था, एक छोटे से गांव का, एक साधारण सा बिना पढ़ा लिखा किसान। अब किसान किसानी करे, और छोटा सा किसान था, पढ़ा लिखा नहीं। उस गांव में पंडित जी आए कथा करने। अब पंडित जी कथा सुनाए और कथा में बोले कि भैया भगवान नाम लेना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। एक दिन किसान पंडित जी से मिलने पहुंचा और कहता है कि मुझे तो कोई मंत्र आता ही नहीं। पंडित जी ने कहा तुम्हें मंत्र देता हूं। तो किसान हाथ जोड़ के कहता है महाराज मंत्र तो देना, लेकिन सरल देना, मैं ठहरा गमार गांव का, तो मुझसे मंत्र बंत्र तो कहा नहीं जाएगा, इसलिए बहुत सरल सा बता देना जिससे मेरी जीभ उलट सके, बोल सकूं मैं। अब पता चला कोई कठिन सा बता दो तो मैं बोल ही ना पाऊंगा। पंडित जी ने भी कहा तू चिंता मत कर, सबसे सरल मंत्र बताऊंगा। और पंडित जी ने भी उसका कान पास में किया और कह दिया कृष्ण। क्या कहा? कृष्ण। कहा बोलो कृष्ण। किसान ने भी कह दिया कृष्ण। बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। अब ये सब कह के पंडित जी चले गए। अब किसान ने सोचा कि चलो अब मुझे मंत्र का जाप करना है। लेकिन उसी समय खूब तेज हुई बारिश, और जब बारिश हुई तो अब अपने खेत में चला गया, और खेत में जब बारिश हुई तो उसकी जो मेढ़ थी मिट्टी की वो टूट गई, तो मेढ़ जोड़ने में लग गया, और जब मेढ़ उसकी जुड़ गई तो फिर सोचता है कि अब मंत्र जप लूं। अब उसे याद ही ना आए कि पंडित जी ने बताया क्या था, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ था, कुछ भी नहीं जानता था वो। अब पंडित जी ने बताया तो बिल्कुल सरल था कृष्ण, लेकिन उसे समझ ही में ना आए, बिल्कुल समझ में ना आए, याद ही बहुत याद करे कि क्या बोला था क्या बोला था, पर बिल्कुल याद ना आए। उसका पैर फिसल गया तो कृष्ण की जगह उसको एक ही शब्द याद आए, खिसक। क्या याद आए? खिसक। कृष्ण की जगह खिसक खिसक खिसक। अब बताओ खिसक कोई नाम है? कोई नाम है खिसक? फिर भी कृष्ण के स्थान पे वो जब खिसक 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 कहे तो भगवान ने वो खिसक नाम भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान केवल भक्त के भाव को देखते हैं। मन तो उसका गुरु मंत्र वाला था ना, कि पंडित जी ने जो बताया है वो मैं कहूंगा, लेकिन अब वो कृष्ण भूल गया और लगा खिसक 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 कहने। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान आपके मंत्र की अशुद्धियों को नहीं पकड़ते कि तुम्हारे मंत्र में कितनी अशुद्धि हो रही, बिल्कुल नहीं पकड़ते। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे पहली पहली बार बोलना शुरू करते तो वो कितना तोतला के बोलते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन माता पिता बच्चों की तोतली वाणी सुन के खुश होते हैं, होते हैं ना। जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित अरुपितु मन। माता माता और पिता उस तोतली वाणी को सुन के खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब बच्चे उस तोतली भाषा में उनसे कुछ भी बोले। वैसे ही जब हम कुछ अशुद्धि करते हैं ना मंत्र में, आजकल लोग बहुत डराते रे गलत मत पढ़ो। भैया धर्म डराता नहीं है, धर्म अभय प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अभय। जो डराए वो धर्म हो ही नहीं सकता, धर्म अभय प्रदान करता है।
धर्म व्यक्ति को निडर बनाता है, डर नहीं देता। तो यदि कभी कोई गलती हो जाए ना मंत्र पढ़ते समय उच्चारण में, तो समझ लेना कि भगवान जी और ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि जैसे माता पिता बच्चों की तोतली भाषा सुन के प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान हमारी तोतली भाषा में यदि कुछ बिगड़ता है, ऊंचा नीचा होता है, स्वर अशुद्धि हो जाती है, तो नाराज नहीं होते, खुश होते। तो अब वो किसान पंडित जी बता के गए कृष्ण, और वो बोले खिसक खिसक खिसक। अब खिसक ना कोई नाम है ना कोई ऐसा शब्द है, फिर भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो मैया भी कह रही है कि बाबा से कह दो, लेके तो आए हो, कि ऐसा कोई नाम रखे जो मैं ले सकूं और मेरी जीभ उलट पुलट जाए। कहा ठीक है, कल जब नामकरण होगा तब कह दूंगा। अभी तुम गर्गाचार्य जी की व्यवस्थाएं देखो। अब मैया ने भी व्यवस्था देखना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी स्वपाकी ब्राह्मण थे, खुद पका के करते थे भोजन। शाम के समय गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया आज मुझे मेरे सालिक ग्राम को खीर का भोग लगाना है। किसका भोग लगाना है? खीर का। खीर बनाने की सामग्री दो। मैया खूब सारी सामग्री, सबसे पहले चूल्हा जला दिया, चूल्हा जलाया, फिर मैया खीर बनाने वाली सामग्री लाई। सामग्री क्या लाई? कहा खीर बनाने की सामग्री लाती है, दूध ले आई, चावल ले आई, और खीर में क्या क्या डलता है? हाँ दादी जी बता रही, क्या डलता है? सुनाई नहीं पड़ रहा हमको। शक्कर, चावल, दूध, इलायची, मेवा, मावा, केसर, और कुछ आजकल डालते हैं वनीला एसेंस, डालते हैं खुशबू के लिए। वैसे इलायची में बहुत फ्लेवर आ जाता है। तो गर्गाचार्य जी को भी मैया ने खूब सारी सामग्री दी। अब गर्गाचार्य जी ने बनाई खीर। नाम लेते लेते देखो, ध्यान रखना, मैं ये बात विशेषकर माताओं से कह रही हूं। यहां जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने घर में भोजन तो बनाती होंगी, बनाती है ना? चिड़चिड़ा के बनाती हो, गुस्से में बनाती हो, या प्रसन्नता से बनाती हो? अब कई माताएं खूब गुस्से में बनाए भोजन, तो घर में पतिदेव महाभारत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बोलो, पढ़ेंगे या नहीं? क्योंकि वो बोल वो ही रहे हैं जो आप उनको खिला रही हो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जब भोजन बनाओ तो एक रोटी बनाओ राधे एक बार, फिर उसको तवे पे डालो तो दो बार राधे, फिर उसको जब गैस पे वो करो सेको तो फिर तीन बार राधे, और फिर जब उसमें घी लगाओ तो चार बार राधे। एक रोटी बनाते बनाते समय आप चार या पांच बार राधे राधे या कृष्ण कृष्ण कह सकती हो ना? और जब ये रोटी खिलाओगी तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन एक साल के भीतर पति की बुद्धि बदल जाएगी। फिर महाभारत नहीं गाएंगे, रामायण गाएंगे। क्या गाएंगे? रामायण, महाभारत नहीं गाएंगे। जब ऐसी रोटी खिलाओगी, अब चिड़चिड़ा के रोटी बनाते हो गुस्से में, लाल लाल होके कि सीरियल निकला जा रहा है और पिक्चर निकली जा रही है, और ऐसे करके यदि रोटी बनाओगे और सोचो कि घर में रामायण हो, तो असंभव। रामायण नहीं होगी, महाभारत होगी। हाँ या ना? मैं सही बोल रही हूं या नहीं? हाँ ना, होगी। इसलिए रोटी कैसे बनानी है? राधे 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 राधे, और वो फिर बिना भोग लगाए बन जाएगा महाप्रसाद। और जब पतिदेव खाएंगे तो चिड़चिड़ाहट नहीं है उस रोटी में, उस रोटी में राधा नाम की मिठास है, और राधा नाम की मिठास
की जब रोटी पति के पेट में जाएगी, बच्चों के पेट में जाएगी, सास ससुर के पेट में जाएगी, तो घर में महाभारत नहीं होगी, असंभव रामायण होगी। क्या होगी? रामायण। और माताओं को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये रसोई का काम तो आप ही करते हो, तो चिड़चिड़ा के नहीं बनाना, प्यार से। और ये प्यार वाला फॉर्मूला अपना के देखो, 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ 6 महीने में। आपके घर में यदि महाभारत होती है, चिड़चिड़ कतर 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 कतर, वो सब राधे राधे में परिवर्तित हो जाएगी।